अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपने लाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े वैरायटी चिकन और चनों। इसका नाम है अचारी मुर्ग चने। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे चिकन को हमने मैरिनेट करना है। तो आपको यहाँ पर चाहिए 1 किलो चिकन है मेरे पास में, हड्डी के साथ है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर डालिएगा। धनिया पाउडर बीच में जाएगा 2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून जाएगी, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून, से बड़ा खूबसूरत लाल रंग आता है। पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, ताकि चटपटा बनेगा। और बीच में जाएगी दही 1 कप जितनी, फेंट कर डालिएगा और रूम टेम्परेचर पे डालें। इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और फिर इसको जो है आपने यहाँ पर छोड़ देना है फॉर 20 मिनट देंगे इसको। ठीक है, अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, और दही मत लगा कर रखिएगा फिर, क्योंकि ये कि दही इसको ज़्यादा गला देगी जब इसको पकाएंगे तो फिर कहीं इसका हलवा ना हो जाए, उस चीज़ का ख्याल रखते हुए दही फिर जब आपने पकाना होगा तब डाल दीजिएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, 20 मिनट देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जो है इसको जब आप गार्निश करते हैं, सर्व करते हैं, तो इस पर आप डालते हैं हरी मिर्चें। तो मोटी वाली जो होती हैं ये, इसमें तीखापन कम होता है और जायका ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग चाट मसाले की। तो इसी के साथ इसको कट दे दें और इसी के से बीच में अच्छे से चाट मसाला लगा करके, ये देखें। ठीक है, इन तमाम को एक साइड पर रख लेते हैं, जितनी मर्जी कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, 5-6 कर लें, 7-8, इट डिपेंड्स कि कौन कौन हरी मिर्च पसंद करता है। हर इंसान जो हरी मिर्च नहीं खाता, ऑल दो ये स्पाइसी नहीं होती हैं, बट आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है 6 अदद को यूं मसाला लगा रही हूँ, ये कर एक साइड पर कर लेते। अब अचारी मसाला बनाना है घर पर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है 1.5 टीस्पून रायदाना चाहिए होगा। उसके बाद में आप डालेंगे 2 टीस्पून सौंफ, साबुत धनिया बीच में जाएगा 2 टीस्पून, और बीच में जाएगा जीरा 2 टीस्पून, और मेथी दाना बीच में आप डालेंगे 1 टीस्पून। लेवल करके डालिएगा, आपके सामने डालें ताकि आपको नज़र आए, क्योंकि इसकी वजह से ही करवाहट आ जाती होती है जब आप ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अचारी मसाले में, तो ये काफ़ी दफ़ा कंप्लेन भी है। तो इसका ख्याल रखते हुए थोड़ा सा हाथ खींच कर डालिएगा। तो अब यहाँ पर जो है आपने इसको मोटा मोटा सा पीसना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। अगर आपके पास, अगर आप चाहें तो आप इसको जो है ग्राइंडिंग मिल में भी ग्राइंड कर सकते हो। तो इसको तरह सा यहाँ पर मैं पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, ठीक है, इसी के से आपने इसको तरह तरह पीस लिया, और इसमें जाएगी कलौंजी 1 टीस्पून, बिल्कुल भर कर डालिएगा। तो ये हमारा होममेड अचारी मसाला तैयार हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, वो बच्ची हैं या बच्चे जो हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, काम करते हैं या टाइम नहीं है इन तमाम चीज़ों को खरीद कर पकाने के लिए, तो आप सिंपल जो है इसमें अचार का जो डब्बे चार के बने बनाए मिलते हैं, वो आप चिकन के इस मसाले में के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें जब आप चिकन बनाएंगे, तो वही आपको जो इंशाल्लाह जायका आता है। ठीक है, आपको ये भी बता दिया। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो चने हैं, मैंने इन्हें ये 1/2 किलो चने, इनको मैंने अच्छे से रात को धोया और खुले पानी में 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालकर रात भर इसको अच्छे से पानी में सोक कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगले दिन इसको मैंने धो करके खुले पानी में इसको मैंने बॉयल किया, यहाँ तक कि जो है ये देख लें ने अच्छे से चना सॉफ्ट हो गया हुआ है, ये आपने करना है। और उसके बाद जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया, मैंने पानी इसका ड्रेन करके एक साइड रखी, तो तमाम फेंका नहीं था, और जो चने हैं थोड़े से हाथों से मैश कर लिए थे। तो ये कि जब आप इसको बनाते हैं तो जो आपकी ग्रेवी है वो आप देख ही रहेंगे गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है, बिल्कुल जो है वो मोटे मोटे सिर्फ चने आपको नजर नहीं आएंगे उसमें। तो ये इसका एक ट्रिक होता है जो मैंने कर लिया, आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोबारा वहीं पर वो बात है कि वो बच्चे जो स्टूडेंट हैं, आप कैन जो होता है आप वो वाले चने इस्तेमाल कर सकते हो, उसका पानी भी जो है बीच में आप वो भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इश्यू। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करती हूँ, उसमें बड़ा अच्छा जायका होता है। तो ये है कि आप कैन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आप स्टेप कर लिया हुआ है, आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। तेल में बनाए, घी में, योर चॉइस। तेल मेरे पास यहाँ पे 1 कप है, इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें जाएगी 2 बड़े साइज़ की प्याज ग्राइंड की हुई, ग्राइंडर नहीं है तो आप चॉप करके भी डाल सकते हो। प्याज को इतना अच्छी यहाँ पे फ्राई आपने करना है कि इसका कलर जो देखेंगे बादामी सा हो जाता है, कच्चापन खत्म हो जाता है।
तो इसको अच्छे से यहाँ पे पहले फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है चिकन अच्छी सी सुनहरी होगी, ठीक है। इसमें अब आपने ऐड कर देनी है क्योंकि हमारी मैरिनेटेड चिकन है, तो तमाम चिकन को डालिएगा। मैरिनेशन जो कि बोल में है वो तमाम बीच में से निकाल लें, वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारी मेजरमेंट है मसालों की वो फ़िलहाल इसी में है। तो ये सारा इसमें डालकर चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, कि चिकन कलर पिंक से वाइट की तरफ आएगा। और फिर इसमें क्या आ जाता है आपको वो दिखाते हैं। पहले चिकन को यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। अब जैसे ही आप देखेंगे चिकन कलर पिंक से वाइट की तरफ आ गया, इसमें आप ऐड करेंगे 4 ग्राइंड किए हुए टमाटर। ये डाल करके अब आपने टमाटरों के साथ में चिकन को फ्राई होने देना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे दोबारा तेल सरफेस पर आ जाएगा। इसको अच्छी तरह यहाँ पर टमाटरों को भी चिकन के साथ में अच्छे से पहले भून ले। तो देख लें फ्लेम हाई पर थी तो टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया और यहाँ पर तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आपने इस पर ऐड करना है ये तमाम मसाला जो हमने ग्राइंड इसका किया था, सॉरी पीसा था अचारी, ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। और अब दोबारा यहाँ पर 2 से 4 मिनट के लिए इस मसाले को भी चिकन के साथ में अच्छी तरह पहले भूनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या आ जाता है। 2-4 मिनट अच्छी तरह मसाले के साथ इसको भूनने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे पानी ताकि हम चिकन को गला सकें। तो इसमें जाएगा 1 कप बिल्कुल भर कर पानी। मिक्स कर लें फ्लेम हाई पर के इसमें जोश आएगा, कवर करें और इसको जो है लो टू मीडियम पर रख के कुक कर लें कि चिकन आपके अच्छे से टेंडर हो जाए और तेल या इसमें इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है इसमें आपको वो दिखाते हैं। तो देखना यहाँ पे चिकन माशाल्लाह कम्प्लीटली डन हो गया हुआ है, तेल सरफेस पे आ रहा है। तो इसमें अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि हमारे बॉइल्ड चने हैं, इसे बीच में डाल लेते हैं। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो फिर आप नमक और ऐड करेंगे, क्योंकि जो पहले हमने नमक डाला था वो सिर्फ चिकन के हिसाब से था। तो इसको पहले अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल मैंने लेवल कर ये देखिए थोड़ी सी जो है नमक और बीच में ऐड की है। उसके बाद भी बीच में जाएगी पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद इसे हम यहाँ पर बिल्कुल दम पर रख देंगे, क्योंकि चने डन हो गए हैं, चिकन जो है वो कम्प्लीटली डन है। सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ चाहते हैं कि चनों के अंदर में मसाले का जायका आ जाए, ठीक है, और चिकन के अंदर में चनों का यही काम है। और क्योंकि जो चने हैं उसमें मैंने पानी जो था तकरीबन 2 ग्लास इतना जिसमें मैंने उसको उबाला था वो मैंने इसके साथ यहाँ पे चनों के साथ ही डाल दिया था। अगर इस स्टेज पर आपने चनों का पानी नहीं रखा था तो आप तकरीबन इसमें 1.5 से 2 ग्लास पानी ज़रूर डालिएगा, ताकि आप इसके देखिए कंसिस्टेंसी जो है यूँ होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप उसको सर्व ही ना कर सकें, ठीक है ना। वो चने अलहदा अलहदा आपको नजर आएंगे, वो फिर खुश्क बन जाएंगे, ये देखें, ठीक है। हल्का सा इसमें ग्रेवी भी है, चने हैं, चिकन है, तो इसको मैं दम पे रखूंगी 12 से 15 मिनट के लिए और फिर इसमें क्या जाता है आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देख लें यहाँ पे इसको दम पर रख देने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ना ये ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। कम से कम आप इसको चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी हो जाए, नान, कुलचे, जो आपको जो है पसंद है आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़्यादा अगर ड्राई कर लेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही दाल जो होती है बाद में कुक हो जाएंगे, बाद में पानी भी एब्जॉर्ब करती है, फिर बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। आगे आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर अब आप डालेंगे अदरक, ये मैंने जूलियन काट लिया था, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा था। गरम मसाला पाउडर जाएगा मेरा 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैं रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा ही अदरक रख लिया था गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया आप डालेंगे ऊपर से 1 मुट्ठी, हरी मिर्चें डाल दें, चूल्हा बंद कर उसकी अपनी ही स्टीम में इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए रहने दें और फिर से करते हुए हम डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा चावलों जिसमें आपसे कहा है, नान, रोटी, पराठा, जिसका आप दिल चाहे साथ में प्याज वगैरह काट लीजिएगा, थोड़ा ज़रा जायका इसका अच्छा आता है साथ में। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कम्प्लीट रूटीन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookwithfaiza.net पर, उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली की जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।